फोटो के थ्रू किसी को लव वाइब्रेशंस कैसे भेजें, अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई है कैसे इस रिलेशनशिप को हील करें, आइए विल अंडरस्टैंड इन टुडेज वीडियो। अगर किसी के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब हो गई है, आप लोग एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, एकदम नो कॉन्टैक्ट जोन में आप चले गए हैं, तो आप फोटो के जरिए लव वाइब्रेशंस कैसे भेजें ताकि आप इस नेगेटिविटी को डिसॉल्व कर सके, आप लोग के अंदर जो ये नेगेटिव इमोशन एक दूसरे को है आप उसको क्लियर कर सके, इस रिलेशनशिप को हील कर सके और इसको वापस आप बहुत स्ट्रांग बना सके, इस रिलेशनशिप के अंदर पॉजिटिविटी ला सके, बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए प्यार ला सके, इसको हम जानेंगे आज। लेकिन अगर आप उस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, सिर्फ अब बिल्कुल वो रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है, आप भी चाहते हैं कि अब आप मूव ऑन करके, यू वांट टू मूव ऑन इन लाइफ बट यू डोंट वांट टू एंड दिस रिलेशनशिप ऑन सच अ नेगेटिव नोट, आप उसके वो जो पैटर्न है उसको क्लियर करके उसको हील करना चाहते हैं ताकि ये रिलेशनशिप जिस नेगेटिव नोट में एंड हुई है आगे ये पैटर्न आपको फिर से रिपीट ना हो, तब भी आप ये वाली एक्टिविटी टेक्निक कर सकते हैं। तो दोनों केस में कि आप वो रिलेशनशिप वापस चाहते हैं तो भी आप लव वाइब्रेशंस भेज सकते हैं, उस रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं, या फिर यू डू नॉट वांट द पर्सन बैक, यू वांट दैट रिलेशनशिप टू एंड इट, लेकिन आप उसको हील करना चाहते हैं सो दैट आप उस नेगेटिव पैटर्न को वहीं पे किल कर सकें, क्लियर कर सकें, ताकि वो कल को आगे जाकर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दे, उसके लिए भी आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। करना क्या है आपको, जिसके साथ भी आप अपनी रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, जिस उनकी आपको एक फोटो चाहिए, इट कैन बी अ हार्ड कॉपी और अ डिजिटल कॉपी, फोन पे भी हो सकता है, लैपटॉप में भी हो सकता है, उनकी हार्ड कॉपी भी हो सकती है, प्रेफरेबली वो सोलो फोटो हो, ग्रुप फोटो हो तो इतना आप उन पे फोकस नहीं कर पाएंगे, तो प्रेफरेबली उनकी सोलो फोटो जो क्लियर फोटो हो एंड जिसमें आपको उनकी आंखें एकदम क्लियरली नजर आ रही हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप एक शांत सी जगह पे बैठ जाएं, एक रूम बंद कर लें अकेले थोड़ा सा एकांत में, एंड जस्ट टेक सम डीप ब्रेथ्स, ओके। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा रिलैक्सेशन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, हमारे थॉट्स थोड़े कम हो जाते हैं, हमारे अंदर थोड़े से ठहराव आ जाता है, हम थोड़े से टुगेदर हो जाते हैं, तो थोड़ी सी वो फोकस्ड एनर्जी के साथ जब हम ये टेक्निक करेंगे तो थोड़ी सी और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो इसको करने से पहले हमेशा अपने आप को पहले शांत कर लें, बिकॉज जब भी आप ये करने की कोशिश करेंगे तो आपके वो सारे नेगेटिव थॉट्स वापस बाहर आएंगे, वो मेमोरीज में से कि किस नोट में वो रिलेशनशिप एंड हुई थी, क्या आपकी लड़ाई हुई थी, व्हाट वेंट रॉन्ग, वो ऑल दोस नेगेटिविटीज, दैट एंगर, हर्ट, पेन, फीलिंग ऑफ बींग चीटेड, ऑल दोज इमोशंस विल कम आउट एंड दे विल डिस्टर्ब यू। तो इसलिए इस टेक्निक को करने से पहले आप अपने आप को एकदम शांत कर लें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, सारे वो अपने थॉट्स को निकाल लें, एंड इसके लिए पहले आप 4 से 5 बार डीप ब्रीदिंग करें। सो जस्ट टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स फ्रॉम योर नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ लाइक दिस, ओके। सो ये डीप ब्रीदिंग जो है वो आपकी थोड़ी सी नेगेटिविटी कम करेगा, आपको शांत करेगा, रिलैक्स करेगा और आप एक नॉर्मल स्टेट में आएंगे, ताकि आप उस रिलेशनशिप के बारे में आप मेंटली प्रिपेयर होंगे कि आप उसके बारे में सोच सकें और उसको हील कर सकें, ठीक है। तो आपने उनकी फोटो ले ली हार्ड कॉपी में या एक किसी भी मोबाइल फोन में सॉफ्ट कॉपी हो, जिसमें प्रेफरेबली उनकी फेस आपको क्लियर दिख रहा है, उनकी आईज आपको क्लियर दिख रही है, और अब आप जो है वो उनको देखेंगे, उनकी आईज की तरफ देखेंगे और आप इस सिचुएशन की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि ये जो कुछ भी हमारे बीच इतना नेगेटिव हुआ, आई टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। The entire process of healing is based on the fact that you are responsible for this situation. देखिए हम ना एक बहुत पावरफुल टेक्निक इसमें यूज करने वाले हैं, हमारी जब हम हीलिंग करते हैं उसका सबसे बड़ा एसेंस ये है कि वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट एवर हैज गॉन रॉन्ग, मे बी इट वॉज नॉट योर मिस्टेक, आपने कुछ गलत नहीं किया, दे हैव चीटेड ऑन यू और दे हैव नॉट बीन नाइस विद यू एंड दे हैव बीन नेगेटिव विद यू, लेकिन फॉर दिस टेक्निक हमें बहुत जरूरी है कि हम खुद को उस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मांगे कि शायद इन माय पास्ट लाइफ, इन माय पास्ट कर्मा, इन एनी ऑफ माय पास्ट सबकॉन्शियस मेमोरी विच गोज बियॉन्ड पास्ट
लाइफ ऑल्सो, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिस लाइफ स्पैन, देर इज समथिंग विच आई डिड जो मैंने शायद आपको हर्ट किया, आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया, बिकॉज ऑफ विच टूडे आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम. मैंने ये अपनी लाइफ में ये नेगेटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट किया है. सो वी नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ माइंड सेट वेन वी आर डूइंग दिस हीलिंग टेक्निक, दैट आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट एवर नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव रिलेशनशिप आई हैव अट्रैक्टेड इन माई लाइफ. आई डोंट रिमेंबर वॉट इज इट विच आई डिड इन माई पास्ट लाइफ, बट आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन. तो इमेजिन करें वो आपके सामने बैठे, आप उनकी आंखों में देख रहे हैं, द पर्सन इज ऑल्सो लुकिंग स्ट्रेट इन योर आईज, और आप बोल रहे हैं कि मैं इस पूरे सिचुएशन की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, एंड आई एम सॉरी, आई एम सीकिंग फॉर फॉरगिवनेस, आई डोंट नो व्हाट इज इट दैट आई हैव डन इन माय पास्ट सबकॉन्शियस मेमोरी, इन माय पास्ट लाइफ मैंने ऐसा क्या किया मुझे नहीं याद है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव सिचुएशन हमारी लाइफ में आई है. सो आई एम सीकिंग फॉरगिवनेस फॉर दैट, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई हील दिस रिलेशनशिप. ओके, सो आप जो है वो ये ऐसा उनको बोलेंगे, और आप इमेजिन करेंगे कि वो भी जो है आपको ऐसा बोल रहे हैं, दे ऑल्सो हैव द सेम इमोशंस फॉर यू, वो भी आपको सॉरी बोल रहे हैं, आपको बहुत सारा प्यार कर रहे हैं, एंड दे ऑल्सो सेइंग दिस कि आई एम सॉरी, शायद मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वी हैव अट्रैक्टेड दिस नेगेटिविटी, आई एम सॉरी, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, थैंक यू, आई लव यू, एंड आई एम हीलिंग दिस रिलेशनशिप. इसके बाद आप विजुलाइज करेंगे कि आप दोनों के बीच जो है एक वॉर्म सा कनेक्शन है, एक हीलिंग वाइट लाइट का कनेक्शन है बिटवीन यू एंड दैट पर्सन, जिसकी फोटो आपके सामने है, आपका एक वॉर्म वाइट कनेक्शन है आप लोग के बीच, एक लाइट जैसा, जैसे टनल ऑफ लाइट कनेक्ट कर रहे हैं बिटवीन योर हार्ट एंड उनके हार्ट के बीच में, या उनकी फोटो के बीच में आप हील कर रहे हैं, आप वो हीलिंग लाइट पास ऑन कर रहे हैं अपने और उनके बीच, और वो हीलिंग लाइट कंप्लीटली उसने कवर कर दिया आपको और उनको भी, और आप एक दूसरे को हील कर रहे हैं, आप एक दूसरे को बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी शेयर कर रहे हैं, भेज रहे हैं, आप एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे हैं, और आप एक दूसरे को, आपने एक दूसरे को माफ कर दिया है. जब आप ये इतनी पावरफुल टेक्निक करेंगे तो आप इस नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करेंगे. दो चीज हो सकती है, आप अगर उस रिलेशनशिप को वापस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो आपके पास आ जाएंगे, आपकी हीलिंग हो जाएगी, आपके बीच प्यार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपके बीच बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी. बट इफ यू डोंट वॉन्ट द पर्सन बैक बट यू जस्ट वॉन्ट टू ब्रेक द पैटर्न, तो ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कि ये उस पैटर्न को ब्रेक कर देगा, और अगर वो आपके पास वापस आए भी तो फ्रॉम अ वेरी पॉजिटिव माइंड आप उनको फॉरगिव कर पाएंगे, आप उस रिलेशनशिप को एक नाइस नोट में लाके, जो इतनी खराब नेगेटिव हो गई थी उसको आप एक नॉर्मल हैप्पी पॉजिटिव नोट में लाके एंड कर सकते हैं. तो आप इससे एक ब्रोकन रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं, वापस उस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसके एक नेगेटिव रिलेशनशिप के पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं, सो दैट कल लाइफ में आप और ज्यादा पॉजिटिव हैप्पी रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करें. जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपने इस टेक्निक को कैसे यूज किया, आपको कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले. सी, इसमें आपको पूरी पॉजिटिविटी रखनी है, आपका सिर्फ एक गोल होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू हैव ओनली पॉजिटिविटी इन माई लाइफ, आई एम नॉट गोइंग टू कैरी एनी नेगेटिविटी, एनी नेगेटिव इमोशन अगेंस्ट एनी बडी, एंड आई एम हियर टू हील माई सेल्फ एंड द हील द अदर पर्सन. Do share this video with somebody who needs to watch this today. Don't forget to subscribe and I'll see you in the next video. Bye-bye.